आपको जो चाहिए उसका अफर्मेशंस आप अपने आप को दो। आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आपके थॉट्स जो है वो आपका लाइफ क्रिएट करते हैं। आपके थॉट्स जो है वो आपका फ्यूचर क्रिएट करते हैं। जो आप सोचेंगे वैसा ही होता जाता है। जो आप सोचेंगे वो चीज़ें आपके तरफ अट्रैक्ट होते जाती है। आप एक मैग्नेट हो, तो हरदम अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, क्योंकि जो भी आप अच्छा करेंगे वही आपके तरफ अट्रैक्ट होते जाएगा। यदि आप ऐसा बोलते कि मतलब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, ऐसा विचार आप करेंगे, अब कैसा होगा मेरा, बहुत परेशानी है, बहुत मुसीबत है, ऐसा यदि आप सोचते जाएंगे तो सचमुच आपकी हेल्थ और खराब खराब होते जाएंगे। और उसके बदले आप बोलते हैं कि नहीं, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम नॉर्मल है। हाँ है तभी भी बोलो कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम नॉर्मल है। ये दुनिया है ना, बहुत खतरनाक है ये दुनिया। बहुत दुनिया के लोग बहुत बदमाश है, दुनिया के लोग फंसाते हैं दुनिया में। ऐसा बोलने के बदले आप बोलो कि नहीं, ये दुनिया बहुत ही परफेक्ट है, दुनिया के लोग बहुत अच्छे हैं, ये ऐसी जगह है कि जहाँ मैं अच्छी तरह से रह सकता हूँ, ऐसी दुनिया है, तो ऐसा होगा। आप जो सोचेंगे वो होगा। बाहर कुछ भी नहीं है। घर में क्या होता है? घर में मम्मी बोलती है कि बच्चा खाता नहीं, बच्चा खाता नहीं, बच्चा खाता नहीं। दादी भी वही बोलती है, नानी भी बोलती वही है, और डैडी भी वही बोलते हैं कि हमारा बच्चा है ना खाता नहीं बराबर। भले उसका वजन बढ़ते जा रहा है मगर ये बोलते खाता नहीं है, तो सचमुच वो खाता नहीं है, क्योंकि वो बाकी चीज़ें खाते रहता है। बाकी चीज़ें कौन से, पिज्ज़ा खाएंगा, ब्रेड खाएंगा, चॉकलेट खाएंगा, बिस्किट खाएंगे, ये खाएंगा, खाना नहीं खाएगा। तो उसके बदले आप बोल सकते कि नहीं, हमारा बच्चा अच्छा खाता है, जो उसको दिया, जो कुकिंग किया हुआ है वो पूरा बहुत मज़े से वो खाते रहता है। ऐसा बोलो तो वो आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। आप ये बोलते नहीं, मुझे बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ, बहुत परेशानी है, ऐसा आप बोल रहे हैं तो वही आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उनकी चुंबक की तरफ। तो फिर आप जब सवेरे उठते हैं तो आपने बोला है कि नहीं, मैं बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्टि है मुझे, और आज का दिन मेरा बहुत पावरफुल और अच्छा जाने वाला है, ये आप देखेंगे वैसा होगा। आप सिर्फ सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट बस रिलैक्स होके जो भी आपको चाहिए वो मन के मन में चैंटिंग करते हैं। देखो, आप मंत्रा बोलते रहते हैं, 108 बार मंत्रा बोलेंगे, उसके बदले ये करो ना मंत्रा, ये मंत्रा जो है थॉट्स का, कि भाई थॉट्स बार 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 बोले जा रहे हैं, तो आप देखो कितना फर्क डेफिनेटली पड़ जाएगा। क्योंकि आप जब सोते हैं तब आप सोने के समय समझो जो अच्छे थॉट्स दिमाग में डालते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, रात को क्या होगा, रात में नींद में वो पूरे थॉट्स रीऑर्गेनाइज होते रहते हैं, दिन भर के रीजनरेशन होता है अपने बॉडी का। तो आप जब अंदर डालेंगे अच्छे थॉट्स, तो वो कोई अंदर बुरे थॉट्स होंगे उसमें वो घुल मिल जाके उसको सबको अच्छा कर देंगे। और जो भी अभी अंदर इंटरनल थॉट सिस्टम चल रही है रात भर आपके सोने के समय 7-8 घंटे में, तो वो भी अच्छे हो जाएंगे और आपको सुबह बहुत फ्रेश लगेगा। तो सुबह 5 मिनट उठने के बाद में भी आप ये सकारात्मक अफर्मेशंस अपने आप को देते हो तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, और रात को सोने के समय भी अफर्मेशन देते हो तो सुबह उठने के बाद में आपको फ्रेश लगेगा, रात को रीऑर्गेनाइजेशन जो होता है थॉट्स का उसमें ये रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे और आपको दिन अच्छा जाने के लिए बहुत प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे। आप क्या करो कि दिन भर में हर 1 घंटे में 1 मिनट निकालो, हर 1 घंटे में 1 मिनट निकालना है, देखना है कि 1 घंटे में मैंने कितने निगेटिव थॉट्स को जन्म दिया। एक्नॉलेज करो उसको और बोलो ठीक है, अभी मैं पॉजिटिव बोलता हूँ। 1 मिनट रुक के थोड़ा अपने आप से पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। ठीक है, लोगों ने मुझे मूर्ख बनाया, इसने मुझे चीटिंग किया, उसके बदले में ठीक है उसने जो भी किया वो किया, मैं अभी इससे सीख लेने वाला हूँ। उसने जो भी किया वो किया मगर मैं अभी ये जो तजुर्बा आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, उससे मैं सीखने वाला हूँ, ये आप बोल सकते हैं। तो हर 1 घंटे में 1 मिनट रुकना है, देखना है कौन सी निगेटिव बातें अपने दिमाग में आई,
और पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव अफर्मेशंस डालना है, और उसके साथ साथ एक मिनट बैठ के विजुअलाइज करो, हो रहा है, डन डील, हो गया है, हो रहा है, हो गया है, दोनों भी। आप क्या करते हो, लंच लेते हो, टीवी देखते हैं, लंच लेंगे, कोई मीटिंग करेंगे, बोले लंच के ऊपर मीटिंग हो रही है, लंच लेते हो, खाना खाते हो, उस समय कुछ तो भी झगड़ा झंझट करेंगे, या कोई मीटिंग लेंगे या फोन लेंगे। क्या होता है इसमें, खाना जब आप खाते हो तो जब ऐसी चिड़चिड़ी बातें कर रहे हैं, झंझट वाली बातें कर रहे हैं, स्ट्रेस वाले बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है, खाना आप खा रहे हो उसके साथ साथ अपना स्ट्रेस भी आप अंदर डाल रहे हो, दिमाग भी ठिकाने पे नहीं है, होगा क्या, अपनी इमोशनल हेल्थ खराब हो जाएंगी उसमें, तो वो मत करो। जो चीज कर रहे हैं वो चीज में पूरा ध्यान दो, माइंडफुलनेस, जो चीज कर रहे हैं वहां 100% आप हो, खाना खा रहे हैं तो उसमें 100% है, टीवी देख रहे तो उसमें 100% है, फोन कर रहे तो उसमें 100% है, वो आप करेंगे तो आपको प्रेजेंसिंग हो जाएगा, प्रेजेंसिंग मतलब जो चल रहा है उसको प्रेजेंट होना, और देखो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको अफर्मेशन देना है सुबह शाम, एक घंटे में एक बार, एक मिनट रुकना है और देखना है कि मैंने एक घंटे में क्या निगेटिविटी दिमाग में लाया, उसको मैं पॉजिटिव कैसा कर सकता हूँ, पॉजिटिव अफर्मेशन दो, फिर से काम करना चालू करो, इतना फर्क पड़ जाएगा, सब पॉजिटिव बातें आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, पैसा आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, लोग आपके तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे, सब बातें अपने मन जैसी हो जाएंगी, क्योंकि आप जो सोचते हैं तो वातावरण उसको आपके तरफ खींच लाता है, जो भी आप सोचते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच।